नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करूंगा। एप्पल, फेसबुक, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इन सब में पैसा कैसे लगाना है ये आप जानोगे। प्लस जो ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, उस ऑप्शन को खरीदने से मैंने अभी थोड़े दिन पहले मना क्यों किया, नया ऑप्शन हमारे पास क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। बस इतना याद रखिए दोस्त, ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत का जो वो होता है ना फल, वो ये होता है कि सबसे पहला फल तो आप ऐसे ही देते हो, वीडियो लाइक कर देते हो, वो काफ़ी सुकून देता है। प्लस मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ आप सीखो वो कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश करो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और सीखो केवल उसी से जिस पे आपको भरोसा हो, क्योंकि फालतू की वीडियोज़ देखते रहने से कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं। वीडियो देख करके फ़ायदा उठाना सीखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोट जो मैं पिछली बार मिस कर गया था आपको समझाने से, इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसको भी आपको समझाऊंगा और क्यों मैंने उस कोट को बहुत ही घटिया कोट कहा था। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये वीडियो आपके सामने मैं क्यों ला रहा हूँ। पहला कारण तो ये है कि आपके प्यारे दुलारे स्टॉक्स, आपके प्यारे दुलारे प्रोडक्ट वाले स्टॉक्स, ठीक है, एप्पल का फ़ोन कौन नहीं यूज़ करना चाहता, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, ठीक है। पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एप्पल, और ये चीज़ आपको भी प्रेरित करती होगी, काश मैं भी इनका शेयर होल्डर होता तो आप भी बन सकते हो। एप्पल का स्टॉक कैसे खरीदना है वो थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है, लेकिन एप्पल के शेयर में पैसा कैसे लगाना है एकदम आसान है, अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन स्टॉक्स में गिरावट हुई है, यानी कि नैसडैक टूटा है, भयंकर टूटा है। अभी इस साल की शुरुआत से अभी तक का रिटर्न 20% है, लेकिन अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे खुश हो जाओगे, लगभग 3 गुना हो गया है ये स्टॉक 5 साल में, औसम ना, ठीक है। अब देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट भी 20% गिरा है, और 5 साल में यहाँ पर आपको रिटर्न मिला है 300% का, ऑसम, ठीक है। अल्फाबेट यानी कि गूगल, गूगल कंपनी है ये, गूगल का शेयर है, गूगल शेयर, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, आपको भी मिल जाएगा। ये 21% गिरा है, और 5 साल में यहाँ पर रिटर्न है 150% का, कम नहीं है ये भी, ठीक है। अमेजॉन ये जो है 30% ऊपर से टूटा, और 5 साल में 150% का रिटर्न है, कम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। टेस्ला ये है कमाल की कंपनी, ऊपर के लेवल से 42% नीचे अभी आपको मिल रही है, ठीक है, और 5 साल का रिटर्न देखोगे खुश हो जाओगे, 900% का धमाकेदार रिटर्न, 5 साल में स्टॉक 9 गुना हो गया है। फेसबुक भी एक मिनट आपको दिखाना चाहेंगे, ऊपर से 45% नीचे आपको मिला है, लेकिन यहाँ पर जो तकलीफ है वो सालों साल से बनी हुई है। उम्मीद यही है कि आगे फेसबुक बेटर परफॉर्म करे, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उनमें आपको ये तो स्टॉक्स मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 100 स्टॉक्स मिलेगा जिसमें ये सब भी शामिल रहेंगे। आई होप आप जानते होगे, आपने अगर पहले की वीडियो देखी है MON 100 पे हमारी, तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। जब आप MON 100 खरीदते हो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 टेक कंपनीज, मोस्ट प्रोबेबली टेक कंपनीज, ज़्यादातर टेक कंपनीज में आपका पैसा जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी 101 रुपये 37 पैसे पे आपको मिल रही है। अब मैंने आपको खरीदने से क्यों मना किया, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ और फिर आगे बढ़। बस जिन लोगों को ये जानना था कि इन स्टॉक्स में पैसे कैसे लगा सकते हैं, आप इसको खरीदो, और क्यों अभी नहीं लगाना चाहिए या क्या तकलीफ अभी चल रही है, इसका अल्टरनेटिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आपके सामने मैं कोट डिस्कस करना चाहूंगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि इग्नोरेंस ब्लिस है, ब्लिस मतलब होती है खुशी, और इग्नोरेंस मतलब होता है ना जानना, ना जानने से बड़ा सुख कोई नहीं है, लोग ये बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, और इसीलिए मैं आपको सिखाता भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज्ञान से बड़ा सुख कोई नहीं है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्त आपके सामने कोई इंजीनियर आ जाए, डॉक्टर आ जाए, किसी भी फील्ड से बंदा आकर के बैठ जाए, वो आपसे बात करना चालू करे ना, तो आप अनकम्फर्टेबल महसूस ना करो। अगर आप पढ़े लिखे बंदे हो, आपने 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, PG किया है, कुछ भी आप किए हो, पढ़े लिखे बंदे हो, तो आपके सामने किसी भी फील्ड का, जो नॉन फील्ड्स हो, कम से कम आपकी नज़र में 10-12-15 उससे ज़्यादा नहीं होंगी, उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये बात तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी मैंने क्या फेस की, मैं अभी 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे कुछ दिन पहले, वहाँ पर मैं कुछ बच्चों से मिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे एक बढ़िया जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया इनके माँ बाप इनकी केयर कर रहे हैं, बढ़िया इनका ट्यूशन या कोचिंग जो भी लगा हुआ है वो है, और वहाँ पर मैंने सिर्फ बच्चों से एक सवाल पूछा था, और आपको यकीन नहीं होगा, 42-45 बच्चे थे, ठीक है, ये बच्चे थे, और वहाँ पर मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब दिया था, और उन्हीं के सब्जेक्ट से रिलेटेड था, 12th क्लास में साइंस के स्टूडेंट्स थे। मैंने उनको तीन पंखों की वॉटेज बताई, उनके घर की यूनिट का दाम बता दिया, लेट से कि आपके घर में 10 रुपये एक यूनिट बिजली का दाम आता है, और आपके घर में 3 अप्लायंसेस हैं, ठीक है,
एक 70 वाट का है, एक 150 वाट का है, एक 300 वाट का है। तीनों 5 घंटे चलते हैं। आपके घर में बिजली कितनी आएगी एक महीने में, ये आप समझ रहे हैं? तो ये हमारे एजुकेशन का लेवल, बच्चों ने इतना आसान सवाल नहीं बता पाया। अब सोचिए, हमारे सामने रियलिटी ये है, और मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी बंदा आकर के बैठ जाए, किसी भी फील्ड से बैठ जाए, कम से कम बेसिक चीज़ें, एक डॉक्टर से आप इस चीज़ में अनकंफर्टेबल ना हो जाओ कि वो किसी सर्जरी की बात कर लिया, उस पर कुछ रिसर्च हुई है तो वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील करो तो वो डॉक्टर की पागलपना है, क्योंकि वो फालतू चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा है। लेकिन मेडिकल सेक्टर में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं कि हाँ, ये चीज़ का भी इलाज आ गया, ये चीज़ें हो गई, मेडिकल इस फील्ड में आगे जा रहा है, तो यहाँ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं एक्सपर्ट बनने को बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। लेकिन समाज में मुझे नहीं पता तो क्या, मैं तो चिल रहता हूँ, मैं पिल रहता हूँ, पता नहीं क्या क्या लोग बता देंगे ना, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो। और ये बात मैं बहुत सीरियस होकर के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे उम्मीद नहीं थी उन बच्चों से, और आपसे मैं उम्मीद बहुत बड़ी करके बैठा हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि 99:1 का जो रेशियो है, ये स्टॉक मार्केट में बहुत ख़तरनाक लेवल पे है, लेकिन मैं आपको इस कैटेगरी में लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये लगता हो, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं इस कैटेगरी में एकदम बहुत ही बुलंदी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि इस कैटेगरी में रहने के लिए जो भी मेहनत होती है, जो भी मेहनत होती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। दिन में 18 घंटे आप ही के लिए, आपके लिए नहीं, अपने लिए मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में रहना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, मार्केट की मेहरबानी होगी तो आपको यहाँ पर रखेगी, बाकी अगर ढकेलेगी भी ना तो इसमें एकदम ख़राब पोजीशन में नहीं ढकेलेगी। आप 98-97 तक जाओगे, मतलब यहाँ पर आने के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपसे उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी जो मुझे समाज में दिखाई देती है वो ये है। तो आपको समझना है कि हम सब बहुत, मतलब अलग तरीके से इस वक्त मेंटेनेंस अपनी बना करके रखे हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि सर, अगर हम सब चीज़ पे फोकस करेंगे हम एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। दोस्त, मैंने आपको फिर से बोलना चाहूँगा, पहले भी शायद बोला है, कि एक फील्ड के, दो फील्ड के आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है? बनने की कोशिश करो कम से कम 1-2-3 फील्ड से। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग एक ही दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, आपकी 1-2 चीज़ पर फोकस होना चाहिए, और वो होना चाहिए अच्छे से। 18 घंटे में से आपके पास 15-16 घंटे वहाँ पर जाने चाहिए, अगर आप 18 घंटे काम करते हो, और 18 घंटे काम किया जा सकता है। 24 घंटे में से 6 घंटे सो लिए, 18 घंटे काम करो। और काम करने का ये मतलब नहीं कि आप नहाने चले गए तो वो काम नहीं है, वहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें सुन सकते हो, अच्छे म्यूजिक सुन सकते हो उस वक्त, और वो भी एक काम है, आपके पास कुछ गेन हो रहा है, समझ गए? अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो, कुछ गेन ही कर रहे हो ना, खाना बनाते वक्त या कुछ भी, खाना बनाते वक्त जिसकी कुकिंग हॉबी हो, मेरी हॉबी है और पसंद भी है। कई लोग पहली बार जाने होंगे, खैर जाने दीजिए। हाँ, कुछ लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, सर शादी वादी हो गई क्या, इसलिए कुकिंग हॉबी बना करके बैठ गए, क्योंकि बीबी खाना नहीं बनाती। नहीं भाई, अभी नहीं हुई है शादी, तो कुछ ये भी बातें आप लोग जान गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ज्ञान से बड़ा सुख नहीं है, मैं इस पॉइंट को मानता हूँ। और आपके पास जब ज्ञान होगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ना वो अलग ही लेवल का होगा, आप अलग ही स्वैग में रहोगे, और दुनिया आपको सम्मान भरी नज़रों से देखेगी। किसी भी बंदे को आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो आपकी तरफ आँख उठा करके देखेगा, क्योंकि उसको उम्मीद होगी कि आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। और ऐसा बनकर के जीने में ना, जो स्वैग है, जो मज़ा है, जो ताकत फील होती है, जो फ्रीडम फील होता है, मैं उसको आपको बता नहीं सकता। बस उसके लिए वो जो मेहनत है ना, वो लगती है, और उस मेहनत में भी बहुत मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोग आपसे जलने लगेंगे, लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, लड़की बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होने लगेगी, लेकिन नहीं, आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। नौटंकीबाजों की दुनिया से, सोबाजी की दुनिया से यहाँ से आपको बाहर निकलना है। मैं खूब पैसे कमाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन शुरुआत कम कमाने गम कमाने से बोलता हूँ ना, कि कम कमाओ गम मत कमाओ, शुरुआत वहाँ से करो, उसके बाद तो आप कमाओगे ही, क्योंकि आपके पास ऐसी काबिलियत है दोस्त कि कंपनियाँ आपको आपके पीछे पड़ी रहेंगी पैसे देने के लिए, लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। उस दिन जो मैंने कोट बोला था, उस चीज़ को मैं बहुत सीरियस ले लेता हूँ। इग्नोरेंस इज ब्लिस कुछ केसेस में होता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि ना जानना कोई सुख है। ना जानने से बड़ी, मतलब पीड़ा कुछ नहीं हो सकती है, कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है मुझे पता ना हो, अच्छी बात, लेकिन कम से कम मेरे सामने जो हो रहा है वो तो मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ना भी हूँ तो मेरे घर में एक फ़ैन चल रहा है, वो 100 वाट का है, 8 घंटे एक दिन में चल रहा है, महीने में कितना वाट खींचेगा, हमारे घर की यूनिट इतनी आती है, वो चीज़ मुझ जैसे बंदे को पता होनी चाहिए जो बिजली यूज करता है, भले ही मैं एक साइंस का स्टूडेंट ना रहा हूँ या ना हूँ, जबकि रहा हूँ, ठीक है।
तब तो मुझे पता ही होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि आइसक्रीम में क्या पड़ता है वो भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे नहीं आता, सीखो, देखो माइंड कितना डेवलप होता है, कुछ तो करो। ये चीज़ें हैं सीखने की। हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट बड़े लेवल का ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं तो ये मेरी फील्ड है ही नहीं, मैं तो इसके बारे में बात तक नहीं करूँगा। जैसे एक बड़ी मज़ेदार बात, मैं इसको काफ़ी फेस करता हूँ, मैं हमेशा जब भी बच्चे लोग मुझे मिलते हैं ना, अरे मैं इंटरनेट पे ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ कितना जीबी नेट मिलता है, 2 जीबी, 1.5 जीबी, ये बताओ आपको 1.5 जीबी नेट मिलता है और आपकी स्पीड कितनी आती है, आपका जो 4G है वो कितनी स्पीड देता है। तो उसी में इनको कंफ्यूज करता हूँ। 4G जो है लेट से कि आपको 25 Mbps की स्पीड दे रहा है, आप जब डाउनलोड करते हो 5 Mbps से भी डाउनलोड नहीं होता। उनको यही नहीं समझ में आता Mbps और Mbps में फ़र्क होता है। बस यही है, ये हैं आजकल के बच्चे, ये इतने नालायक बनते जा रहे हैं। और इनमें जिम्मेदारी माँ बाप की, उनके बड़े भाई बहनों की है कि उनको समझा नहीं पा रहे हैं। और अगर आप छोटे हो घर में ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्त कि सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। कम से कम ये बेसिक चीज़ें तो पता रहें, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक समाज की चीज़ें और बेसिक इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा प्यारी हो वो आपको आनी ही चाहिए, बिना इसके कहाँ ठिकाना लगेगा। ये हो गई बात नॉलेज की। और क्योंकि संडे था इसीलिए मैंने आपको इतना ज्ञान दिया। अब बात कर लेते हैं आगे कि मैं आपको ये MON 100 खरीदने से मना क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक लिस्ट मैं दिखाता हूँ। मैं इन भाई साहब को श्रेय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इनका नाम मुझे नहीं पता चल पाया, और मैं आपसे भी ये माफ़ी चाहता हूँ। जब भी आप किसी की कोई भी चीज़ को यूज़ करो उसको श्रेय ज़रूर दिया करो, कोई भी हो आपकी लाइफ में। जैसे माँ बाप को मैं हमेशा श्रेय देने की बात बोलता हूँ, ज्ञानी है ये भी, इसको भी नोट करके रखे रहिएगा। सबको श्रेय दिया करो, कोई भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट किया हो, किसी के कारण आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, श्रेय देना सीखो, झुकना सीखो। ठीक है, झुकना सीखो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल की हैं। जैसे एक वो लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं, जो झुककर मिला होगा आपसे कभी, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो आप खुद बड़े बनते हो, क्योंकि वो आपका बड़प्पन समझता है कि ये बंदा मेरे सामने झुका है। आपके पास सोचिए नॉलेज है, आप दिन में 10, 12, 16, 18 घंटे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप किसी बंदे के सामने जा कर के झुक जाओ, वो कितना ग्लैड फील करेगा, कितना टैलेंटेड बंदा मेरे सामने झुका है, ये आपका बड़प्पन हुआ। ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी लाइफ में लाओ। अब देखिए, ये जो MON 100 आपको दिख रहा है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, यानी कि इसको ETF बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक नेट एसेट वैल्यू होती है, NAVs इसको बोलते हैं। ठीक है, वो एक अंडरलाइन वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेट एसेट वैल्यू आप जनरली इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो वहाँ पर आपको पे करनी होती है, लेकिन जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो बन जाता है तो वहाँ पर मेरे पास NASDAQ 100 के शेयर्स हैं, जिसको आप MON 100 के नाम से अभी जानते हो, मोतीलाल ओसवाल है ये। ठीक है, और शेयर्स हैं, मैं कह दूंगा कि नहीं भाई मैं ETF जो है NAV वाले प्राइस पर नहीं बेचूंगा, मैं महंगा बेचूंगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू जब भी आएगा तो यहाँ पर तकलीफ आएगी। अब जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा था वो दिखा देता हूँ। 101 रुपये 37 पैसे, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर ठीक हुआ है, लेकिन आपको बताता हूँ, शुरुआत आप 1 अप्रैल 2022 से कीजिए। चलो भाई पहना जाऊँ, यहाँ पर प्रीमियम जो था वो NAV से काफ़ी हाई था, 6%, और ये जो प्रीमियम है ये बढ़ते 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 अभी तो शायद 10 के भी ऊपर चला गया है। ओ माय गुडनेस, 13-12 पे, ये 23 मई को 12 चला गया था, एक समय 13 भी चला गया था। तो ये मई महीना थोड़ा सा ख़तरनाक रहा है। ये हुआ क्यों? सरकार ने थोड़ी सी लिमिट लगाई फॉरेन उसमें पैसा लगाने के लिए, प्लस ये जो स्कीम थी यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नॉर्मल रूट से बंद कर दी गई, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप अभी नॉर्मल रूट से करंट टाइम पे पैसे नहीं लगा सकते हो, एज ऑफ माई नॉलेज। आप इसको चेक कर लीजिएगा जब भी जाइएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, आप ETF ही खरीद सकते हो। अब ETF में जब डिमांड बढ़ेगी, शेयर्स कुछ लिमिटेड लोगों के पास हैं, तो वो अलग ही लेवल पे बेचेंगे। अब जैसे कि आप जब पैसे दोगे तो आपका ये 89 रुपये, ये 23 मई को, ज़रा मैं चार्ट इसका देखना चाहता हूँ जी, 23 मई को 89 रुपये था प्राइस। ठीक है, NAV, चलिए इनको नहीं है, 89 रुपये था प्राइस। ठीक है, अभी देखिए ये 89 NAV थी, 6 महीने का रिटर्न 17% है। ठीक है, ऊपर से गिरा है, वही मैंने आपको दिखाया अभी कि 6 महीने में बहुत सारे स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स 20-20% गिरे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड भी ये जो है 17% गिरा हुआ है। ठीक है, ये 23 मई को 89 की NAV थी, जो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हो, बिल्कुल सही देख रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ पर इसको कंपेरिजन कर लीजिएगा। अभी
चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल वे में हैं, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर दो तीन सजेशन देना चाहूँगा। पहले तो इसका ऑप्शन क्या है, आप कोटक का फंड ऑफ फंड खरीद सकते हो, कोटक 100 करके नाम से आपको मिल जाएगा, उसमें आप पैसे लगा सकते हो। ठीक है, एक कंपनी को, एक मैनेजमेंट सॉरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक लिमिट सेट कर दी गई कि उससे ज़्यादा आप पैसे नहीं डाल सकते हो। कंबाइंड रूप से भी लिमिट सेट की गई है सरकार की तरफ से, उसी न्यूज़ का ये नतीजा है। तो अब फंड ऑफ फंड का थोड़ा सा इशू जान लेते हैं। वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी टैक्सेशन वगैरह एडजस्ट करने में, लेकिन ये पागलपन मत कीजिएगा उस चक्कर में कि टैक्स नहीं देना है तो इसलिए मैं 12% प्रीमियम पे जा करके इंडेक्स पे MON 100 खरीद लूँगा। तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा मेरे हिसाब से, बाकी अपनी समझ दिखाइएगा। अभी ये जो प्रीमियम है, अभी लेटेस्ट NAV कितनी चल रही है, 97। ठीक है, ये मैंने देखा है, आप भी चेक कर लीजिएगा, 97 चल रही है, 3 और 1 4, 4% के आसपास। ठीक है, 4% के आसपास अभी प्रीमियम पे है, तो अभी मेरे हिसाब से खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्त, अगर मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ लो कि जब भी आप 101 रुपये में खरीद रहे हो ना MON 100, तो आप एक्सचेंज का एक प्रीमियम दे रहे हो, जो कि 2-4-5% तक हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का इशू होगा। एक बार वहाँ पर ओपन हो गया सबके लिए इन्वेस्टमेंट, तो लोग डायरेक्ट रूट से जा करके म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। ये प्रीमियम 2-4-5% का हो, मैंने पहले कहा, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यही प्रीमियम जब बढ़ करके 10% 12-13% हो जाएगा, तो अब ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। आप रियलिटी में चीज़ क्या पा रहे हो, 97 की, ठीक है, और आप पे कर रहे हो 105 रुपये, तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को पाने के लिए कुछ सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं, इसीलिए आप आकर के ETF खरीदते हो। ठीक है, तो उसका भी कुछ डिसएडवांटेज है कि आपको केवल अगर MON 100 में ही पैसे लगाना है तो आपको पहले तो AMC देनी पड़ेगी, वो तकलीफ़ है। ठीक है, अलग अलग कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो तकलीफ़ है अलग से, तो इन सब चीज़ों को भी ब्रोकर आपसे लेता ही है, वो तो आप जानते ही हो, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट जाते हैं, तो डायरेक्ट ही जाओ, क्योंकि डायरेक्ट में आपको NAV के बराबर पैसा मिलेगा। जिसको अंडरलाइंग वैल्यू बोलते हैं उसको थोड़ा सा आप समझिएगा तो समझ जाओगे। आई होप मैं आपको जो समझाना चाहता था उसको आप समझ गए। कोटक का जो फंड ऑफ फंड है, उसमें अगर आप पैसे लगाते हो तो याद रखना वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, टैक्सेशन में इशू आएगा। लेकिन जैसे कि अभी MON एडजस्ट हो गया, जब मैं पिछले हफ्ते इस पर थोड़ा सा समय दे रहा था तो उस वक्त ये फालतू के औने पौने रेट पे गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, सोचा आपको भी इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन अभी ये सही है। अब मेरे हिसाब से अभी आप इसमें पैसे लगा सकते हो, और पैसे लगाने के 2-4 कारण भी मैंने आपको समझा दिए। पहला, आपको ग्लोबल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, कुछ पैसा आप 10-15% पैसा ग्लोबल मार्केट में लगाना चाहते हो, बड़ी कंपनियों में लगाना चाहते हो, तो आपको बढ़िया मिल गया। प्लस 100 जो ये कमाल के स्टॉक्स हैं, बहुत कमाल के स्टॉक्स हैं, उनमें आपका पैसा लग रहा है किसी एक स्टॉक में नहीं जा रहा है, तो ये अगर गिरेगा भी तो धीरे धीरे गिरेगा, और वाइस वर्सा चलेगा भी तो धीरे धीरे चलेगा। तो कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप समझ गए होंगे। ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाता है तो ग्लोबल मार्केट जैसे चलेगी वैसे आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिलेगा। प्लस आप स्वॉप भी कर पाओगे, यार मेरा पैसा एप्पल में लगा है, अमेजोन में लगा है, मैं एप्पल का फ़ोन तो नहीं यूज़ करता, या यूज़ भी करते हो, देखो यार एप्पल का फ़ोन भी यूज़ करता हूँ, एप्पल के शेयर में पैसे भी लगा करके रखा हूँ, मेरे से बड़ा रईस इंसान कौन होगा। कुछ ऐसे भी आप अपने दोस्तों को, या कम से कम ठीक है, जिसको भी मस्त शो ऑफ कर सकते हो। खैर, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही समझाया, बस वो मजाक कर रहा था मैं, समझ गए। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, क्योंकि जी 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 ट्रांजेक्शन कम हुआ है, परसेंटेज डिलीवरी 75%। सोचिए रियलिटी में सबको 100% लेना पड़ता है, आप 25% लोग खरीदते बेचते हैं दिन के अंदर, रिस्क कम लेना पड़े इसीलिए। खैर जाने दीजिए, पैसे यहाँ पर अलग अलग तरीके से चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा है कितने प्रतिशत की डिलीवरी उठती है, प्लस कितने शेयर्स ट्रेड होते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉलम आपको दिखाना चाहूँगा, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ठीक है, ये आप देखिएगा, नीचे आइए, 1,61,000, 1,78,000, 2,80, 2,94, और ये घटा है, पीछे कुछ दिन ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे, देख रहे हैं जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बाद ही यहाँ पर कुछ वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई, यही होता है। खैर जाने दीजिए, यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा आपको डिकोड करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस ऐसे ही मैं डेटा देख रहा था, सोचा आपको भी दिखा दूँ। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना। और हाँ, वीडियो में मैंने जो बात कही है अगर आपको थोड़ी इधर उधर की लगी हो कि अरे सर आप तो
किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं करने दोगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो आप बिल्कुल यार आज़ाद हो, अपनी मर्ज़ी के मालिक मत बनो, लेकिन आज़ादी आपको अपनी चूज़ करनी चाहिए। आप आज़ाद हो हर चीज़ करने के लिए, आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है तो करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, बस मेहनत खूब करो, बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ। बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, और मेहनत चाहे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, रियल लाइफ में कुछ अच्छा बनने के लिए कर रहे हो, करते रहो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अपनी आज़ादी अपने तरीके से ही सबको चुननी चाहिए। बस अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो दूसरों का भी थोड़ा सा हित करना ज़रूरी हो जाता है, जिसको आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा करके आसानी से कर भी सकते हो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।